जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब, और आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी क्वेश्चन पेपर जो आपके 2019 में हुआ था, उसमें जो आपकी जीएस जनरल साइंस पूछी गई थी उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चनों को देखेंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनमें से आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट चल रही है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। विद्युत धारा को मापने के लिए यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं वोल्ट मीटर, अमीटर, ट्रांसफार्मर या एम्पियर। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये एसी वोल्टेज का उपचयन व अपचयन करने में प्रयुक्त किया जाता है। हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दालें एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या विटामिन का? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं एडीनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। जो आयोडीन है वो किस में पाया जाता है? तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। दोस्तों आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है वो नमक है। नमक में सर्वाधिक पर्याप्त मात्रा में कहें तो आयोडीन पाया जाता है। अगर आयोडीन की कमी शरीर में हो जाती है तो घेंगा नामक रोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि, यह शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? ऑप्शन दिए हैं गर्दन में, आमाशय में, हृदय के आधार में या मस्तिष्क के आधार में। तो हमारा सही आंसर होगा मस्तिष्क के आधार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की खोपड़ी में यानी ह्यूमन माइंड में कितनी अस्थियां यानी बोन होती हैं? हमारे शरीर में या मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन दिए हैं आपके 14 या 22 या 30 या फिर 35। दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो टोटल हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं, जिसमें फीमर नामक हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है, जो कि मनुष्य के जांग के वहाँ पर पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कान के वहाँ पर पाई जाती है।
तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो हमारा सही आंसर होगा 22। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन दिए हैं प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, RBC या WBC। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? जो लोग भी ऑप्शन बी कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? ऑप्शन है आपके आर्गन, हीलियम, न्यूट्रॉन या रेडान। तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है तो हमारा सही आंसर होगा रेडान। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? फूड एंड माउथ रोग कहे तो इसे मुंहपका या खुरपका रोग भी कहते हैं, मुंहपका या फिर खुरपका, जो कि गाय, सुअर, भैंस, भेड़ या बकरी आदियों में होती है। तो यह जो रोग है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन दिए हैं कवक, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो हमारा सही आंसर होगा विषाणु। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेराल या फिर थायमिन। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा थायमिन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बात करें रेटिनॉल की तो यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल की बात की जाए तो यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी हो जाए तो शरीर में तो बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको जरूर से याद करिए। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं पोटेशियम, थोरियम, यूरेनियम या सोडियम। तो मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा थोरियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? दोस्तों एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूंगी, कोशिका का जो शक्ति केंद्र होता है यानी पावर हाउस जिसे कहते हैं वो किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बात करें कोशिका की आत्महत्या की थैली की तो ऑप्शन दिए हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा लाइसोसोम। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज डी डूबे ने की थी, डी डूबे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं सिलिकॉन, नर्म लोहा, जर्मेनियम या इस्पात। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हमें बताना है इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा इस्पात। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का, समतल लेंस का या साधारण लेंस का। दूर दृष्टि की बात करें तो इसमें जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। बात करें निकट दृष्टि दोष की तो निकट दृष्टि दोष की तो उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है,
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? ऑप्शन दिए हैं आपके एम्पियर, टेस्ला, वेबर या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो है वेबर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? ऑप्शन है दाब, घनत्व या फिर ताप या फिर उपरोक्त सभी। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घनत्व। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और ये भी ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।